आगे का चीज बना हुआ है। Alright, so guys, welcome to my new vlog. So guys, आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मैं आज जा रहा हूँ दीघा, दीघा बीच जो कि कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता से 3 घंटा समथिंग टाइम लगते हैं जाने में, और मैं पहली बार आप लोगों को जाके दिखाऊंगा वहाँ पे। मेरा ये सेकंड टाइम है, लेकिन मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं बनाता था, लेकिन अब जाऊँगा तो ब्लॉग में आप लोग को शूट करके दिखाऊंगा। और मेरे साथ कौन कौन आ रहा है मैं सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगा। और ट्रेन है 9:30 बजे ट्रेन है, तो अभी चलते हैं क्योंकि अभी पैकिंग हो गई है और थोड़ा सा पैकिंग बाकी है। और कौन कौन आ रहा है मैं सबको आप लोग को दिखाऊंगा। मेरे वीडियो को स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, अब जो करते हो यार बहुत थैंक यू। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलते हैं डायरेक्ट स्टेशन और देखते हैं कि ट्रेन राइट टाइम पर आती है कि नहीं आती है। तो मिलता हूँ मैं आपसे डायरेक्ट स्टेशन पर। सो फाइनली गाइस, स्टेशन हम लोग आ चुके हैं और ट्रेन हम लोगों का 2 घंटा लेट है। कोलकाता का ट्रेन हमेशा 2 घंटा लेट ही रहता है, पता नहीं कब आएगा। तो मेरे साथ सहबाज जा रहा है और नसीम जा रहा है और एक सद्दाम है, दोस्ती है, भाई है, तो वो भी जा रहा है, और शहजाद है और विक्की है, तो उन लोग को देख लो आप लोग। विक्की शहजादे हम लोग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं क्योंकि अभी 10 बज चुका है, तो देखते हैं ट्रेन कितना देर आती है, कितना देर में आती है, और चलते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा मज़ा आता है मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो मिलते हैं थोड़ी देर। सो फाइनली गाइस, हम लोग कोलकाता पहुंच चुके हैं और अभी मैं ट्रेन में ही हूँ, हम लोग तो बस उतरने ही वाले हैं। और नसीम कुछ कह रहा था। Hi guys, तो हम लोग कलकत्ता आ चुके हैं, अब यहाँ का आपका बहुत अच्छा ब्लॉग आपको यहाँ दिखाएंगे। और ये सदाम है, भाई है। क्या कर रहा ना सिर्फ उठा पटकते पहुँचना की तबाही चालू। तो अभी हम लोग यहाँ से दीघा जाएंगे, और दीघा कैसे कैसे जाते हैं और कहाँ कहाँ मैं ट्रैवलिंग करता है, तो यहाँ से उतर के अभी ट्रेन पकड़ना है डायरेक्ट। 21 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, तो वहाँ से ट्रेन बैठेंगे, और ट्रेन बैठने के बाद डायरेक्ट दीघा जाएंगे और वहाँ से रूम लेंगे, फिर रूम लेने के बाद एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा, फिर सब। सो फाइनली गाइस, हम लोग उतर चुके हैं और ये विक्की और सद्दाम, ओ तो सद्दाम अभी अपने सिस्टर के यहाँ जाएगा और हम लोग दीघा जाएंगे, तो चलते हैं अभी और बहुत मज़ा आएगा घूमने में, चलते हैं। तो अब हम लोग केला ले रहे हैं। सजादे सजादे भी बोला कि थोड़ा सा केला खाना चाहिए, ये तो ना बोलते रसी हाथ रहा मुँह पा मुँह में मारे मैं ज्यादा से पैसे नहीं निकलता है, पता नहीं आज कैसे पैसा निकल गया, हर जगह यही मिल रहे तब बुढ़ा हावड़ा हावड़ा में आया हावड़ा में, तो हावड़ा पुल से पैसा निकाल रहा है। सो फाइनली गाइस, दीघा का टिकट ले चुके हैं और सद्दाम अपने सिस्टर के यहाँ जा रहा है और हम लोग सिर्फ जा रहे हैं दीघा, और ये भी है। तो अभी देखते हैं ट्रेन 6:50 में ट्रेन, तो कितने बजे ट्रेन आती है, तो चलते हैं डायरेक्ट ट्रेन पे। So guys, दिग्गा के लिए ट्रेन तो बैठ चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं था कि इतना ज्यादा भीड़ होगा, बहुत परेशानी। जिसका सीट कंफर्म भी है उनका सीट नहीं मिल रहा है, आप लोग खुद मैं दिखाया हूँ कि कितना ज़्यादा भीड़ है, और बहुत प्रॉब्लम के साथ ये सफ़र कर रहा हूँ, ये यादगार सफ़र रहा है। अभी चल के दीघा पे मिलता हूँ, आप लोग दुआ करना कि दीघा अच्छे से पहुँच जाए हम लोग। शहजाद के पीछे नसीम मेरे जमान को देख रहे, अभी चलते हैं। घोड़ा उतरना बे।
जैसे हम लोग पहुँचे दीघा और जैसे ही पहुँचे पानी बहुत ज़्यादा तेज होने लगा और शहबाज़ विक्की बुलाया हुआ है पता नहीं कहा और भीड़ बहुत ज़्यादा है और पानी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नसीम परेशान है। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जैसे ही यहाँ पे आए थे और पानी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी और मेरी हालत देख सकते हो यार कैसी हो गई है बिल्कुल। तो अब हम लोग जाएंगे रूम लेंगे और रूम लेने के बाद उसके बाद मौसम जब सही होगा तो दीघा बीच पे जाएंगे और आप लोग मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग न्यू दिखा रहे हैं और रूम के लिए अभी हम लोग चल रहे हैं, तो ये सब जितना भी आप लोग को दिख रहा है रूम ही है, जहाँ पे हम लोग कंफर्टेबल लगेगा वहीं पे रूम लेंगे। और अभी हम लोग न्यू दिखा बीच दिखाने में आप लोग को जा रहा हूँ। अभी मौसम तो बहुत पानी पानी हो रखा है इसलिए अभी नहाने का भी मन नहीं कर रहा है ना सिर्फ मौसम बहुत रंगीला है, देखते क्या सीन होता है। आज रंगीला है, सादा है, दिखा भी आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, आप लोग मैं दिखाता हूँ। गाइस अभी तक हम लोगों ने रूम नहीं लिया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और हम लोगों ने गया था न्यू दिखाने गए थे हम लोग और क्या कर रहा है यार। हाँ तो अभी हम लोग ओल्ड दिखा में आ गए और न्यू दिखा गए थे, तो न्यू दिखा में बहुत ज़्यादा कॉस्टली रूम मिल रहा था तो अभी हम लोग यहीं रह गए और विक्की हटाया तो अभी हम लोग चलते हैं और यहाँ देखते हैं रूम मिलता है कि नहीं और कितने में रूम मिलता है। मैं सब बहुत ज़्यादा भूख लग जाने के कारण हम लोग खाना मंगाए और ये खाना खा रहे हैं, 12 बज चुका है और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है, लोग खा कब रहे डर ज़्यादा रहा है। एक तो और यही मंगा लेते दाल की जगह पे मसाला दाल, हाँ मसाला मंगा लेते हैं लोग, ये दिमाग से काम ले दाल की मंगा लेंगे इसके बाद दो सौ अंडा और 40 की यही मंगा लेंगे तो आइडिया है और मंगा लेंगे एक और दाल की जगह पे दाल मंगाओ ना तो हम खा देना बता दे रहे हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग रूम लेने के लिए आ रहे हैं लेकिन जल्दी रूम मिल नहीं पा रहा है, तो देखते हैं कि ये वाला रूम कैसा है, तो पसंद आता है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो पसंद नहीं आ रहा है, कहीं और जा रहा है तो अब यहाँ देखते हैं कि पसंद आता है कि नहीं। उम्मीद है कि आ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या ना कि 5 लोग हैं और 5 लोग में डबल बेड का रूम बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है लोगों को, तो यहाँ देखते हैं क्या होता है और कितना पैसा लगता है वो सब कुछ आप लोगों को बताता हूँ। सो फाइनली गाइस रूम तो हम लोगों ने ले लिया है, यहाँ पे रूम बहुत ज़्यादा अभी कॉस्टली चल रहा था क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत से रूम मिला है। हाँ तो रूम कैसे मिला, बहुत दिक्कत लगा, बहुत दिक्कत बहुत मिला है, यहाँ पे पैसा दे रहे हम झिक झिक कर रहे हैं खास करके टीपू ऐसा कुछ नहीं, रूम बहुत ज़्यादा कॉस्टली था इसलिए रूम नहीं मिला था। यही रूम का प्राइस पता कितना लगा, 2000 रुपये
और रूम में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ से समुंदर भी दिख रहा है और छत पे से जाके मैं आप लोग को समुंदर का व्यू दिखाऊंगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होने और बस रेडी होके जाएंगे समुंदर के पास, रहेंगे, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेंगे और शूट करेंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा नहा भी लेंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, धूप भी आ चुका है, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ खा पी भी लिया है, चलते हैं। जब जाएंगे तो आप लोग मैं दिखाता हूँ। सो फाइनली गाइज, अब हम लोग थोड़ा रेस्ट कर चुके थे, अब हम लोग जा रहे हैं बीच पे और नहाएंगे, थोड़ा साइड में नहाएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अभी। और ये भी जा रहा है मेरे साथ, लेकिन क्यों जा रहा भाई तू नहाने जा रहा है? चश्मा पहन के चश्मा पहन के। तो विक्की भी जा रहा है और नसीम भी जा रहा है। नसीम मेरे से काफ़ी दूर है और बहुत धूप है, ऐसा लग रहा था धूप नहीं है आज, तो मौसम सुबह से बहुत अच्छा पानी पड़ रहा था, लेकिन अच्छा हो गया। अब देखते हैं बीच पे कितना मजा अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो चलो उधर धमाके, पत्थर से पहले नीचे उतर जा, आ इधर से उतर जा, चलना यार पत्थर है भाई, आराम आराम से आ कर। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है भाई, क्या बात है यार, अरे वाह अभी और कमता है भाई। और गाइज यहाँ पे बिल्कुल संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पैर ज़रा सा कलटा तो आपका पैर मुरकने का डर होता है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे आराम से चला जाता है। और ये लोग भी आराम से चल रहे हैं, तो फाइनली हम लोग बीच पे आ चुके हैं एकदम। यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है कि गोवा का बीच है यार, कैसा लग रहा है? तो मज़ा बहुत आ रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है यार, देख सकते हो आप लोग, मैं दिखाता हूँ। शहजादे कुछ जा रहा है बनाने के लिए, वो बालू पे सैंड पे बनाने के लिए कुछ आ रहा है, तो बनाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या बनाता है ये। चल बना, बनाने के बाद दिखाएंगे। नहीं अभी दिखा, नहीं बनाने के बाद। अच्छा ठीक है, बनाने के बाद दिखाना। तो खोल रहा है यार, आज खोल रहा है, बना रहे एक चीज सरप्राइज। ये देखिए, ये सजादे का चीज बना हुआ है, देखिए ये है नेचुरल। अब विक्की याद है हाथ देगा, इसका भी हाथ था बनाने का, इसका भी हाथ था। चल घोड़ा चला गए थे तो सबका नाम कर तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लहर आ रही है लहर, और ये देख सकते हम लोग लहर आ रही है। ओ भाई, कपड़ा पूरा भीग चुका है यार।
और ठंड भी लग रहा है, पानी बहुत ज्यादा कनकन है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आप लोग और नसीम यहाँ पे नहा के बहुत ज्यादा थरथराने लगा है, दल 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 कर रहा है। क्या हुआ नसीम? है क्या हुआ नसीम? गाइस मेरे पैर में थोड़ा सा चोट लग चुका है और चला नहीं जा रहा यार सही से। देखते हैं नसीम को बुला के फिंगर को स्ट्रेच करवाता हूँ। यहाँ पे पेन कर रहा है उंगली पुटना। तो फाइनली गाइस काफ़ी देर से हम लोग नहा चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने, और चेंज करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और दूसरे ड्रेस में यहाँ पे फोटो शूट करेंगे और नहाएंगे नहीं, तो अभी चलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग रेडी होके आ चुके हैं और यहाँ का मार्केट को मैं दिखाता हूँ और कैसा लगता है। Thank you.